हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़े को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइट लेफ्टी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज मॉर्निंग का डे है और रिपब्लिक डे का डे है, तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ, एक अच्छी जगह चलते हैं और कोशिश करेंगे वहाँ पे, जहाँ पे बीच में रेगुलर वहाँ पे टाइगर की मूवमेंट थी और मैंने आपको लास्ट टाइम वहाँ पे पगमांग भी देखे थे, तो वहाँ पे जाके मॉर्निंग के टाइम में, अभी मैं अकेले जा रहा हूँ, वहाँ जाके क्रॉस चेक करते हैं क्या सीन है और मूवमेंट का थोड़ा अंदाज़ा लेते हैं और मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो जी, अभी रोड भी एकदम खाली है और मॉर्निंग के टाइम में ही हम आज निकल चुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग के भी चांसेस बनते हैं कई बार टाइगर और लेपर्ड के रोड क्रॉस करके वापस जंगल की तरफ जाने के। और जो आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं लेफ्ट में, स्टार हॉस्पिटल, और जो इसकी पार्किंग है यहाँ पे, तो कुछ दिनों पहले यहाँ पे लेपर्ड यानी कि गुलदार तेंदुआ पहुंचा था और उसने एक डॉग पे भी अटैक किया, तो हॉस्पिटल की पार्किंग थी वो जस्ट। हालांकि उससे थोड़ा सा आगे अंदर सोसाइटी के बाद जंगल स्टार्ट हो जाता है, तो लेपर्ड अपने शिकार के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है। हर पार्किंग में उनकी कार के पास सोए कुत्ते को ले गया, ये देखिए आप। कृपया स्टार हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आने वाले पाइल्स के पेशेंट दिन में ही आइए, क्योंकि रात में यह बाघ आ रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्टार हॉस्पिटल पाइल्स लेजर सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पिछले टाइम हमने टाइगर के पगमार्क भी देखे थे, और देखते हैं आजकल सुबह क्या मूवमेंट है। बस मैं क्रॉस चेक करना जा रहा हूँ कहीं उसके मूवमेंट मॉर्निंग के टाइम में तो नहीं है। तो जी, ये पहाड़ का रास्ता आ चुका है, तो ये देखिए बाई साइड में ये रेस्क्यू सेंटर है। तो ये रेस्क्यू सेंटर है, तो इसको बोला जाता है इन ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर, यानी कि ऑन द वे का रेस्क्यू सेंटर, यानी कि यहाँ पे फुल फैसिलिटी जैसे होती है एक रेस्क्यू सेंटर में, उसके मुकाबले इसका साइज, आकार और फैसिलिटी थोड़ी कम रहती है। और बेसिकली मतलब जब टाइगर को रेस्क्यू किया जाता है, अगर आसपास के रीजन में होता है, तब तक जो बड़ा रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे ढेला, अगर वहाँ जगह नहीं है और यहाँ पे अगर जगह अवेलेबल है, तो उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टर की पैनल होती है, डॉक्टर की टीम होती है। अदरवाइज जो डॉक्टर की टीम नैनीताल जो में रहती है, जो हेड वेटनरी होता है, तो वो वहाँ से आके यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं टाइगर और लेपर्ड का। और अगर फिर उन्हें जगह आगे मिल जाती है रेस्क्यू सेंटर ढेला में, तो वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम गए थे कुछ टाइम पहले यहाँ जी। ये अपना विष्णु जी की दुकान अभी तो खोली नहीं हमने, तो एकदम ऐसे करके पैक होके सोते हैं, और उनकी आग भी शायद बुझ गई है। आते हुए इनसे बात करेंगे,
कि जो मैं मॉर्निंग में मूवमेंट देखना चाहता हूँ वो एक बार ट्राई करते हैं। और यहाँ पे जो टीम होती है वो भी जब किसी लेपर्ड या टाइगर को पकड़ना होता है तो यहाँ से टीम भी डिप्लॉय की जाती है। हालांकि मैंने विजिट किया हुआ है पहले भी, तो यहाँ पे टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, स्लोथ बेयर भी है, उसके अलावा ईगल, आउल, जो भी चीज़ें मतलब रेस्क्यू होती है वाइल्ड एनिमल में, जिनको कोई चोट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उनको यहाँ रखा जाता है। तो जी अभी हम पहुँच तो गए उस एरिया में, थोड़ा सा अब शांत रहेंगे और जंगल की आवाज़ें सुनेंगे।
राइट की तरफ रिवर है, तो वहां से कंटिन्यू बर्किंग डियर की कॉल आ रही है।
जी टाइगर की तो देखो सेटिंग हो चुकी है, मुझे कैमरे में भले ही कैप्चर नहीं हुआ लेकिन मैं आपको आप लोगों को पगमग दिखाऊंगा। तो वो क्रॉस करके गया है और काफी बड़े साइज का था, हालांकि कैमरा थोड़े देर पहले ही मैंने बंद कर दिया था। अब ये मैंने आंखों से देखा है तो वो क्रॉस तो करके गया है 100%। अब ये है कि जो वो क्रॉस करके गया है तो उसके हम फुटप्रिंट चेक करेंगे। तो देखो अभी मैं आपको सीधे उसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे उसने क्रॉसिंग करी थी और पगमार्क दिखाता हूँ। स्पीड से भाई तो उतना सही से नहीं बना है। पार्किंग डियर भी आ गए खुले में एकदम। पंजे लेकिन साफ साफ नहीं है यार, एक तो वो स्पीड में गया ना काफी, और जहाँ तक है उसका एक पाँव ना रोड पे था इस वजह से शायद उसके पगभाग भी इतने साफ नहीं है। प्रेजेंट है और ये ब्राउन वाली फीमेल है, इससे पहले जो ब्लू गई वो मेल है, ये फीमेल। और जो जो ये बैठे ना हिमालयन बुलबुल है, तो जी सीन ही है ना, मतलब कि एक तो उस टाइम में जब अलार्म कॉल हो रही थी तो मैंने जो रोड दिखाई थी काफ़ी डार्क थी, मतलब काफ़ी एक तो प्रॉपर लाइट नहीं थी, अगर लाइट प्रॉपर होती तो मैं कैमरा ऑफ भी नहीं करता। लेकिन उसी वक्त क्रॉसिंग हुई, मतलब काफ़ी तेज भागते हुए गया, हालांकि मैं आकार और उसके डील डॉल के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो टाइगर था, क्योंकि मुझे भी बस ये है कि एक आकृति भागते हुए दिखी जो जिसका डील डॉल जो होता है वो टाइगर के बराबर ही था, अदरवाइज़ मैं इतना सियोरिटी से नहीं बोलता कि टाइगर ही था। और उससे पहले जो अलार्म कॉल थी वो बता सकती है कि ये मोमेंट टाइगर की ही थी। और बाकी ये है कि ये तो चलो कन्फर्म है कि टाइगर है इस क्षेत्र में, तो और अपने चांसेस इन फ्यूचर आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि पिछले बार प्रीवियसली भी इस एरिया में पगमार्क दिखा था टाइगर का, तो वो भी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो चलो आज की जो कोशिश थी सफल रही एटलीस्ट, और मतलब अच्छा इंटरनली, मतलब कि आई फील वेरी वेल, और मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ हुई। हालांकि कैमरे में हम कैप्चर करने की फिर दोबारा से कोशिश करेंगे, है ना, थोड़ा लाइटिंग का इशू होता है। अब मैं लाइट ऑन करके रहता तो उसकी क्रॉसिंग होती या नहीं होती, वो क्रॉस करता है नहीं करता, क्योंकि देखिए जंगल सफारी वाले टाइगर तो है नहीं, ये बहुत साई होते हैं। साई मतलब कि अपने को अपनी प्रेजेंस इंसानों को यूजुअली नहीं शो करना चाहते हैं, अगर ऐसा होता शो करना चाहते तो मतलब काफ़ी हल्के अपने चाल से ही चलता, जो कि रॉयल बंगाल की चाल होती है। तो जी हमारे बिष्ट जी सुबह सुबह चाय बनाते हैं, बिष्ट जी एक चाय हमारे लिए भी। आज भैया मोमेंट देख ली हमने टाइगर की, वहीं कैमरे में नहीं आया लेकिन आंखों से पूरी उसकी
यहाँ पे कुत्ता उठा ले गया व्हाइट वाला। किसका? मेरा वाला। भयंकर तुम अब यार कुत्ते मत रखना भाई, यहाँ सारे कुत्ते गायब करवा दे रहे हो। है और क्या, जो आएगा वो जाएगा ही भैया। अब वो तो तुम सलामत हो आग जला के बैठ जा रहे तुम और गुलेल वगैरह है, लेकिन रखना मत भाई डॉग। और बताओ क्या चल रहा है, मूवमेंट वगैरह? कुछ नहीं, डेली का है उसका, सुबह 4 बजे का, 4 से 5 के बीच में। तो ये है जी इनके साइड का जंगल वाला एरिया। तो कुत्ते को इसी साइड से लेके आओ। हाँ। कब की बात है वो? कल परसों की। सड़पड़ हो रही, सड़पड़। क्या था ये? ये क्या था? भैया खतरनाक एरिया है, अकेले मत आइए तुम। अकेले मत आना, किसी दिन बदलना हमारे बिष्ट जी। तो बिष्ट जी ये सीने भी रहे, मूवमेंट मतलब लेपर्ड की चली रही है आपके क्षेत्र में, और वहां तो टाइगर है ही है अब। लेकिन ये है कि उसकी क्रॉसिंग है ज्यादा, वो जंगल को ही है। लोग बाग तो शायद कोई जंगल को अब जाना बंद ही हो गया लोगों का। उस टाइप का नहीं है ना वो, आदमखोर जैसा नहीं है वो। आदम अब उसको जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही उसने, या तो कुत्ता उठाएगा या किसी की गाय भैंस उठाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं है कि ना जंगल में है तो बहुत कुछ, बस ये कि इंसान वहाँ की तरफ ना जाए। आप भी आसपास के लोगों को वैसे बता ही देना, बता तो दिया ही था काफी टाइम, उनको भी पता ही है टाइगर है ये करके, पिछले बार जो अटैक हुआ था। क्योंकि इसमें क्या है ना, सावधानी बस उसका आमना सामना ना हो जाए बाघ से। तीन थे ना वो जोड़े, तीन में से जो महर्षि स्कूल के नीचे देखी गई थी, फिर तीन में से एक बिछड़ गया था उनमें से, जो वो आदमखोर बना था जिसने लड़की लड़की मारी थी। उसका जब यहाँ मेडिकल एडिकल हुआ ना ऊपर खून टेस्ट, तब जाके वो निकला हाँ यही है करके, तब से कोई वैसा कोई वो थोड़ी हो रहा है। उसी ने मारे थे। हाँ उसी ने, और दो और घूम रहे हैं, दो और घूम रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा था अभी दो होंगे, लेकिन एक ही देखा। और ये तो बड़ा ही था अंदर, जो मुझे देखा ना फुल साइज था। अब देखना पड़ेगा क्या है। नुकसानदायक थोड़ी हो, नहीं नहीं नुकसानदायक क्यों होता है यार, जंगल है, जंगल में घूम गए। उसका ही एरिया है, उसका एरिया है पूरा, उसके एरिया में हम है वो तो क्यों जी। ये नैनीताल हाईवे है, और मैं आपको ना अभी एक ईगल दिखाता हूँ, एक स्टेपी ईगल दिखा मुझे, तो पहले उस तक रीच मैं देखता हूँ कहीं उड़ ना जाए। पहले से ये पहले इस जगह का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये नैनीताल हाईवे है, और जो आपने इलाका देखा इसको गुलाबी घाटी भी बोला जाता है, और बाकी ये ग्वाला रिवर आ रही है। और जो ये ईगल मैंने आपको दिखाया इसका नाम है स्टेपी ईगल। तो स्टेपी ईगल बेसिकली आती कहाँ से है, और ये अभी माइग्रेट करके विंटर में हमारे वहाँ आई है।
तो जैसे कि इस बर्ड का नाम है स्टेपी ईगल, स्टेपी यानी कि मैदानी, जो विदाउट फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं, स्टेपी में होते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया में माइग्रेट करते हैं और यहाँ की नॉन ब्रीडिंग बर्ड है, यानी कि ये यहाँ प्रजनन नहीं करती, लेकिन अपना शीतकालीन टाइम बिताने के लिए वो इंडिया में आती है। तो हालांकि राजस्थान में भी देखी जाती है और हमारे यहाँ भी। अभी मैं इसके शॉट भी लूँगा कुछ अच्छे और फिर आपके साथ क्लोजली मैं शेयर करूँगा। अभी बैठी है अच्छी जगह पे और फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ मेरा कैमरा सेटअप पहले निकाल लेते हैं। तो जो ये स्टेपी ईगल होती है दूसरे देश से हमारे वहाँ आती है और बाकी अपने आप में ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि बहुत ही कम बची हुई है इस दुनिया में। और बाकी ये अभी विंटर में माइग्रेट करती है, जैसे कि इसका नाम है स्टेपी। तो ये बेसिकली मैदानी प्लेन्स एरिया में रहना पसंद करती है, लेकिन हमारे प्लेन्स नहीं, सुदूर इजिप्ट और कजाकिस्तान के प्लेन्स में और रूस के ऊपरी इलाकों में, मंगोलिया साइड, और वहाँ ये रहती है और ब्रीडिंग भी वहीं करती है, प्रजनन भी वहीं करती है। लेकिन विंटर के टाइम में वहाँ की लेक और जो वहाँ की रिवर है वो फ्रोजन हो जाती है, तो उस वजह से वो माइग्रेट करती है। तो जो हमारे हिमालय से नीचे के पार्ट है, तो ये आपको पहाड़ों में भी दिख जाएगी, जूलीकोट साइड या फिर अल्मोड़ा के आसपास। लेकिन वो आती ऐसे एरिया में है जहाँ पे उसको रहने के लिए और खाने के लिए बेसब फूड मिले। तो रिवर साइड में ज़्यादातर ये देखी जाती है, जैसे ये बैंक है, रिवर बैंक है। तो यहाँ आके अभी ये विंटर में माइग्रेट कर रही है, और जो बेसिकली छोटा मोटा शिकार, यानी कि जो मछली वगैरह हो गए या फिर कुछ रेप्टाइल्स हो गए उनको खाती है, और कभी कभार जो बचा हुआ मांस होता है उसको खा के अपना जीवन व्यापन करती है। बाकी काफ़ी बड़ी ईगल होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसमें ये बर्ड देखी जाएगी, और वहाँ की नेशनल बर्ड भी है कजाकिस्तान और इजिप्ट की, स्टेपी ईगल। तो है ना, बहुत ख़ास बर्ड है। और अभी आज के टाइम में हमारे एरिया में देखी जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए भी कि भैया दूसरे देश की नेशनल बर्ड अभी माइग्रेट करके हमारे पार्ट में रहने आई है। तो इनको आप बचाइए, और यही है बाकी स्टेपी ईगल के बारे में जो चीज़ मैं आपको बताने का सोच रहा था। और अच्छा हुआ कि आज मुझे दिख भी गई और आपके साथ मैंने कुछ शॉर्ट्स भी शेयर करे और इसके बारे में डिटेल में भी बताया। बाकी इस बर्ड्स की जो उम्र होती है 40-41 ईयर्स तक होती है, और बाकी काफ़ी माहिर ये शिकारी होती है, और जो कि मतलब हाई स्पीड में उड़ते हुए भी शिकार कर लेती है। और बाकी जैसे रेप्टाइल्स हो गया, खरगोश हो गया, चूहे हो गया, उसको मारती है और इको चेन को हमारे बैलेंस बनाने का काम करती है। तो बाकी ये अन्य देशों से अभी इंडिया में आई है, जैसे कि यूरोप हो गया, मंगोलिया हो गया, चीन हो गया, और रूस का कुछ पार्ट हो गया, और कजाकिस्तान हो गया, और कजाकिस्तान इजिप्ट हो गया, और कजाकिस्तान और इजिप्ट की तो ये नेशनल बर्ड भी है। तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे देश में ये देखी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ आपको विंटर में ही देखने को मिलेगी। तो विंटर में इस बर्ड्स को देख के आनंद लीजिए, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया ये ईगल है। तो यही है, बाकी अब हम भी पहुंचते हैं अपने घर और काम करते हैं। आज 26 जनवरी के दिन ही आपको मैं ब्लॉग देने की कोशिश करता हूं, और मिलते हैं तब तक। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एनिमल।